सप्तरी को खाँडो नदी ने तटबंध में कटान शुरू गरेको छ। लगातार को वर्षासंगे खाँडो नदी में आएको बाढ़ी ने तटबंध में कटान शुरू गरेको छ। तटबंध में कटान का कारण सप्तरी जिला का तिलाठी, बेलही, लौनिया, सरकपुरा, मधेपुरा, कोबसाइन, दिघवा, पकरी, तोपा, बिसहरिया, रूपनी लगायत का गांव में बाढ़ी को जोखिम बढ़ेको छ। क्वालिटी से काम होना चाहिए, सुखा मजे बढ़िया से काम हेतु, लेकिन पानी के समय में काम भेला से नहीं हेतु। लेकिन हमारे कहना है खास कह के बहुतों ठाम में बांध में देखियो रेनकोट सब लागल छे, जना रात में वर्षा हुआ लगल तो हम बांध पेल रही नदी के बांध पे, लेकिन बाढ़ के तबाही से बेसी से वर्षों के तबाही से अपना सबके रेनकोट सब में हो अकरा से हमारे ख्याल से कहना है जकर तत्कालीन बोरा भर के कम रेनकोट सब के मरम्मत क्या। खाँडो नदीले वर्षेनी हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि राजविराजमा खाँडो नदी व्यवस्थापन आयोजना कार्यालयको स्थापना गरी तटबन्ध निर्माण काम सुरु गरेको थियो। तर 5 वर्ष बितिसक्दा पनि तटबन्ध निर्माण कार्य पूरा हुन सकेको छैन। यता आयोजनाले भने जनशक्ति र स्रोत साधनको अभावका कारण तटबन्ध निर्माणमा ढिलाइ भएको बताउँछ। 1,200 किलोमिटर तटबन्ध नयाँ निर्माण गर्न पनि बाँकी नै छ। सीमित स्रोत साधनका बावजुद, जनशक्ति सीमित जनशक्तिको बावजुद चाहिँ गर्नु परेकाले अलिकति टाइम लागेको जस्तो देखिएको हो, तर काम नभएको होइन। चुरे क्षेत्रबाट उद्गम भएको खाँडो नदीले खास गरी वर्षायाममा सप्तरी जिल्लामा धनजनको ठुलै क्षति गर्ने गरेको छ। क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न तटबन्ध निर्माण थालिए पनि पूरा हुन नसक्दा यस वर्ष पनि आसपासका बासिन्दाले बाढीको त्रासमै जीवन बिताउनु परिरहेको छ।